आज की न्यूज देखना, आज हिंदुस्तान का ऐसा भाग्य जगह है कि हिंदुस्तान की देशी गौ माता का गोबर कुवैत में जाएगा, पूरा गोबर कुवैत सरकार खरीदेगी। ये गौ माता की शक्ति है, विदेशों में जाएगा गोबर। कल के अखबार में देखा आपने, गौ माता का गोबर विदेश जाएगा। जयपुर में बहुत बड़ा प्लांट लगने वाला है जिसका शुभारंभ भी हो गया है। गौ माता के गोबर और गौमूत्र से पेंट बनेगा, जो घरों में पुताई में काम आता ना ऑयल पेंट, एशियन पेंट वाला, ये टोटल गौ माता के गोबर और गौमूत्र से बनेगा। और जैसा 3 मार्च 2022 को जयपुर में बहुत बड़ा आंदोलन किया था गौ माता के हेतु, और भगवान की असीम कृपा से आंदोलन सक्सेस हुआ, और मात्र 13 मिनट में राजस्थान सरकार को घुटने टेकने पड़े। 13 मिनट में सरकार को झुका दिया आप जैसे गौ भक्तों ने, सिर्फ 13 मिनट में। ये गौ माता की शक्ति है, बाकी कौन होने जी गौ भक्ता नहीं भगवान कौन होने है, गणाई चौराहे माते झंडा लियोड़ा बेटा कोई होता वे तो। लेकिन हमने सबसे पहले दिल्ली में, दिल्ली का था 7 नवंबर का, कोरोना की वजह से स्थगित करना पड़ा, फिर जयपुर में किया, और मात्र 13 मिनट में सरकार पूरी आंदोलन में आ गई। आप वहाँ मौजूद होंगे या नहीं होंगे, जो होंगे उनको पूछ लेना। प्रतिनिधि आ गए सरकार के, गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया जी खुद अपने प्रतिनिधियों को भेजा कि जाओ और गौ भक्तों को पूछो तुम्हारी मांग क्या है। तो हमने 13 मांगे रखी, 13 में से 11 मांगे हाथों हाथ सरकार को माननी पड़ी। 13 में से 11 मांगे, जिसमें मेन मांगे ये थी गौ माता को राज्य माता का दर्जा मिले, ये पेंडिंग रख दिया गया है कि सेंट्रल का मामला है, सरकार आपस में और कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आपस में सूझबूझ करके इसका हल निकालेगी कि राज्य माता का दर्जा दे, फिर उसको राष्ट्र माता का दर्जा दे। और दूसरी मांग मेन थी गौ हत्यारों को फांसी की सजा हो जाए, इसका प्रावधान भी हमने सरकार के सामने रखा। ये डायरेक्ट सरकार खुद डिसीजन नहीं लेती है, उसके लिए उसको मंथन करना पड़ता है। तो 2 डिसीजन पेंडिंग रखे, बाकी 13 में से 11 मांगे हाथों हाथ माननी पड़ी, जिनके नतीजे आपके सामने हैं। सबसे पहला, गोचर पर पट्टे दे रही हो सरकार बंद करें। अभी गोचर पर पट्टे बंद कर दिए गए, तुम्हारे बाप की गोचर नहीं है जो तुम पट्टे दे रहे हो। खुला चैलेंज किया मैंने जयपुर में जाके, न गोचर आपकी है न गोचर तुम्हारी सरकार की है। गोचर बुढ़िया बजर बडेरा लोग गणी दौरी राखी, बुढ़िया ने पूछो गोचर जमीन गणी दौरी राखी, घना लड़िया झगड़िया जना गायों की गोचर जमीन बची है, और आप होते कौन हो गोचर पर पट्टे देने वाले, फिर कैंसिल करवाए। और गौ माता का दूध जिसकी रेट बढ़ा के 10 रुपये और एक्स्ट्रा कर दिया जाए, और गौ माता का गोबर और गौमूत्र बाजार में 100 रुपये लीटर और 100 रुपये किलो गोबर खरीदा जाए, ये भी हमारी मांग में सबसे पहले था, सरकार ने ये भी मान लिया। और गौ रक्षकों पर गौ पालकों पर जितने भी मुकदमे लगाए गए हैं, चाहे वो सच्चे हैं चाहे वो झूठे हैं, टोटल हटाएं, टोटल मुकदमे आपको हटाने पड़ेंगे। हर पंचायत मुख्यालय पर गौशाला स्थापित हों, जिसका सरकार ने अभी अनुदान कर दिया प्रकाश जी, 9 लाख कर दिए। यदि नई गौशाला आप खोलते तो 9 लाख रुपये सरकार देगी, 10 लाख 1 लाख आपको देने पड़ेंगे, 9 लाख सरकार देगी, 9 लाख सरकार देगी, 1 लाख अपनी जेब से दो, 10 लाख में गौशाला बनाओ। यदि किसी गांव में गौशाला नहीं है तो आप हमसे संपर्क करें, हम वहाँ आएंगे आपके लिए गौशाला बनवाएंगे। गौशाला जरूरी है क्योंकि रोड माते बैठी बार रोजाना ट्रकाना ठोक चले जावे, कोई धनी न कोई धोरी, डेली मार्के में फोन आवे एम्बुलेंस भेजो, उसके बजाय आप गौशाला बनाओ। पेमेंट नहीं है आपके पास, चिंता नहीं करें, यदि गौशाला में चारा नहीं है तो आप चिंता नहीं करें। एक और चीज, राजस्थान के किसी भी गौशाला में यदि चारा नहीं है तो प्लीज चारे के लिए आपको तड़पने की जरूरत नहीं, आप टेलीफोन कर देना, आपको बिना पैसे आपकी गौशाला के गेट के सामने ट्रक खड़ी कर देंगे। चाहे राजस्थान के किसी भी कोने में आपकी गौशाला है, पैसा नहीं देना आपको, आपके दरवाजे पे ट्रक खड़ा हो जाएगा 14 चक्का चारे से भरा हुआ, आप खाली करवा देना। चारे के लिए कहीं कभी मत भटकना। क्या सरिया वाले का भी वक्त बता रहे हैं, आपसे भी निवेदन है, आप दुख नहीं पाए, चारा नहीं है तो चारे की व्यवस्था हम करवाएंगे। सेवन घास लगवानी ताकि चौमासो आ रही हो, आप प्रकाशियों संपर्क करो, गोचर औरन की कड़ी जमीन है तो भी जमीन आप उपजाऊ बनाओ और गौ माता वास्ते चारो उगाओ, ताकि गौ माता ने हरियो चारो मिल सके। और एक और पंचायत पंचायत समिति मुख्यालय पर नंदीशाला खोला जाए, सरकार ने यह भी चीज मांग ली है, पंचायत समिति मुख्यालय पर नंदीशाला, ताकि रोड माते कटे नंदी आपने नजर नहीं आवे। आजकल ज्यादातर एक्सीडेंट होते हैं नंदी से, ज्यादातर देखो एक्सीडेंट हुए नंदी में, एक्सीडेंट हो जावे तो आपने एक भी नंदी रोड माते नहीं मिले। यदि पंचायत समिति मुख्यालय पर बहुत जल्दी से गौशाला स्थापित हो जाए, बोले गौ माता की
और गौ माता का गोबर और गौमूत्र बाजार में खरीदा जाए 100 रुपये लीटर। फिर देखो लोग दूध वास्ते गौ माता ने घर में नहीं लावेला, गौमूत्र और गोबर वास्ते जरिकन लियोड़ा लारी फिरी 100 रुपया लीटर गौमूत्र मिले। और आने वाले टाइम हो जाएगा साहब, लोग पथमेड़ा जाते हैं गौमूत्र लाने के लिए। सर्वप्रथम संतों की तपोभूमि फलोदय की पावन धरती को प्रणाम। गौ माता परमपिता परमात्मा माता पिता के चरणों में दंडवत प्रणाम। मंच प्राचीन परम पूजनीय परम सम्मान्य परम सदैव संत गुरुदेव श्री श्री 1008 परमंश सूर सागर बड़ा राम द्वारा मैं श्री श्री राम प्रसाद जी महाराज जाम्बाधाम पीठाधीश्वर संत गुरुदेव श्री भगवान दास जी महाराज एवं तमाम भगवान के स्वरूप संत महापुरुषों के चरणों में दंडवत प्रणाम। राम जी राम नौन प्रणाम। सभी वचन संध्या में पधारे पिता तुल्य बुजुर्ग गण मातृ शक्तियां, मेरे भारत देश के भविष्य मेरे युवा साथी परम गौ भक्त धरती पुत्र गौ पुत्र सभी अन्नदाता सभी के चरणों में मेरा राम राम प्रणाम। जय माता जी की, जय गौ माता की, नौन प्रणाम। वंदे गौ मातरम, जय श्री राम। बड़े प्रेम से भगवान का जयकार लगाते बिना विलंब भजन संध्या को आगे बढ़ा रहे हैं। गणेश वंदना गुरु वंदना मुकेश भाई वैष्णव ने शुरू की। आप सभी बड़े प्रेम से अंतरात्मा से भगवान का जयकार लगाएंगे। बोलो श्री गौ मात की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री चार भुजानाथ की, सदगुरु कबीर साहेब की, अनंत श्री रामदास जी महाराज की, धरती माता की, इंद्र भगवान की, श्री भारत मात की, श्री रटियाल मात की, ओम विष्णु भगवान की, उमापति महादेव की, अजमल गर्भतार की जय। जगह भी सजन जयकार लगायो बाने, बहुत बहुत धन्यवाद। और कई के बीच में कोशिश करी बाने भी हड़को पतलो बाने धन्यवाद। और कई आगा बचा नहीं भी हमारे चरणा में हमारा दंडोत प्रणाम, क्योंकि जागरण में आ रही यदि जयकार नहीं लगावा तो दुनिया की कोई जगह नहीं है जहां आप जयकार लगा सकते हो। कोई सपा का नाम देखिए कोई जयकार लगाता है, देखिया कटे हॉस्पिटल में कोई जयकार नहीं लगावे, जगणी लगावे तो झटका दिरावे कन पटिया रहे। तो भगवान का दरबार है, गौ माता रो पवित्र प्रांगण है, संतों की मौजूदगी में प्रेम का जयकारा जरूरी है। क्यों? भगवान प्रेम रापू का है। भगवान को ना प्रसाद चाहिए, ना बर्फी चाहिए, ना काजू कतली चाहिए, भगवान ने चाहिए प्रेम। जो आप लोग दे रहे हो प्रेम का जयकार जरूरी है। जयकार भले एक ही लगाओ लेकिन प्रेम का लगाओ, नींद भले एक घंटों ही लो लेकिन सुख ही लो, दोस्त भले जिंदगी में एक ही बनाओ लेकिन सौ को दोस्त बनाओ। नुगरा 5000 काम रखो ने वे डूबो दिया करे। तो जयकार हो अंतरात्मा रो वह पवित्र तो भगवान राजीव है कि भक्त मेरी शरण में आया। आप सभी लोग भगवान की शरण में आ तो उस परमपिता परमात्मा ने याद करे, प्रभु मैं तेरा तू मेरा। अपने आप को समर्पण करें, सरेंडर करें भगवान के प्रति कि आज की भक्ति आज मेरो जितो भी टाइम मिले मने मैं सब आपकी शरण में बिताना चाहूं। बोलो श्री गौ मात की, श्यावर रामचंद्र भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की।